Dear students, welcome back. This is our lecture number 2 of complex analysis. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज कह लें इनको मजीद स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म और इसके अलावा कुछ और डेफिनेशंस को भी स्टडी करेंगे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर या मॉडुलस आर्गुमेंट फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? एवरी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ऑलवेज बी पुट इनटू द फॉर्म। अब किसी भी हम नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आर इनटू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, वेयर आर एंड थीटा आर बोथ रियल्स। ये जो आर और थीटा है ये दोनों बोथ रियल्स वैल्यूज हैं। तो लेट एक्स प्लस वाई आयोटा या आयोटा वाई विच इज इक्वल टू आर, यहां से हमने कॉमन लिया, ठीक है, यहां से आर कॉमन है, तो आर इन टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम आर को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनता है? आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। तो यानी एक्स प्लस आयोटा वाई वो किसपे कन्वर्ट हुआ, वो किसके इक्वल हुआ? आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा आर साइन ऑफ थीटा। तो अगर हम इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को क्या करें, यानी कंपेयर करें, तो हमें क्या मिलता है कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा मिलता है और वाई हमें क्या मिलता है? आर साइन ऑफ थीटा। बाय कंपेयरिंग इमेजिनरी एंड रियल पार्ट्स, यानी एक्स को इसके साथ कंपेयर करेंगे और वाई को साइन की फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग वन, अब हम ये क्या करें कि इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर भी लें और इनको ऐड करें तो हमें क्या मिलता है? देखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया, बाकी कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो ये इक्वल होता है वन के। यहां से हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर मिला। तो यहां से हम आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आर इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल। यह हम सिंपल इसको आर को जेड का मॉड भी कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ जेड। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने मॉडुलस को देखा था, मॉडुलस किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां से हमें आर जेड की इक्वल मिलना, ठीक है, जेड की मॉड। तो थस एक्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहां पर जो हमें इक्वेशन वन में आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट कॉस थीटा, और वाई किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट साइन ऑफ थीटा। तो यहां से हम कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर टू को हमने नाम दिया, एनी वैल्यू ऑफ थीटा सर्टिफाइंग टू इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो वी राइट, अब थीटा की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, इक्वेशन नंबर टू को, उन थीटाज की वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? आर्गुमेंट कहेंगे या एम्पलीट्यूड कहेंगे ऑफ जेड। तो थीटा किस इक्वल होगा? आर्गुमेंट ऑफ जेड, या थीटा इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो थीटा यहाँ जो इस इक्वेशन नंबर टू को सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारे पास आर्गुमेंट होगा, ठीक है। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सिंस इफ थीटा बी वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट सो ऑल्सो इज टू एन पाई प्लस थीटा। अगर अगर थीटा वैल्यू ऑफ किसकी आर्गुमेंट की, तो जो हमने भी ये टर्म डिफाइन की है टू एन पाई प्लस थीटा, ये भी क्या होगी? वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होगी। तो इससे ये साबित हुआ कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉट यूनिक। इससे मजीद डिटेल आगे की लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थस द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट विच सेटिस्फाई, अब थीटा अगर माइनस पाई और पाई के दरमियान की वैल्यूज पर सेटिस्फाई हो रहा हो तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट कहेंगे। तो जो आर्गुमेंट ऑफ वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो नॉट यूनिक होती है, जबकि जो अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें ऑफ आर्गुमेंट की वो यूनिक होती है, ठीक है। अब जो थीटा अगर माइनस पाई और पाई के दरमियान यानी किसी भी टर्म पर यानी सेटिस्फाई करे उस इंटरवल के दरमियान वैल्यूज पर,
तो उस वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो यहां से हमने देखा कि आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वो नॉन यूनिक होता है और ये बहुत ही अहम पॉइंट है। ठीक है, देखें नोट में क्या है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट पुट इनटू द फॉर्म, और कह रहा है कि हम जीरो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम आर्गुमेंट यानी सॉरी उसकी जो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो आर्गुमेंट ऑफ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यानी अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो ये एक अहम पॉइंट यहाँ पर है। थस इफ जेड इज इक्वल टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आर इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर, then the form z is equal to x plus iota y which is equal to r into cos of theta plus iota sine of theta is called modulus argument form, polar form या इसको हम trigonometric form of z कहते हैं। ठीक है, तो r is modulus of z and theta is argument of z, तो ये definition है इसकी trigonometric form या इसको हम polar form कह सकते हैं या modulus argument form कह सकते हैं। तो यहां पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो थीटा होगा वो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा, जो आर होगा वो मॉडुलस ऑफ जेड। तो अगर हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी जो कि हमें अभी यहां पर यूज की है। ठीक है, इसे नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ज्योमेट्रिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखें यहां पर एक प्लेन समझ लें, एक्स वाई प्लेन में, तो ये कोई पॉइंट पी है और इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो यहां पर जो भी प्लेन हम यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहां पर देखें जो P है उसको हमने, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, X और Y हैं, और P इंटू एक्स प्लस एट ऑफ Y ये कोई पॉइंट है इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, और ये उसका ओरिजिन से डिस्टेंस R है। अगर हम X एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो X है और Y एक्सिस के अलॉन्ग बात करें तो Y है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट इन एक्स वाई, ठीक है, प्लेन हूज कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई रेफर्ड रेक्टेंगुलर एक्सिस ओ एक्स एंड ओ वाई। तो एक्स है वो क्या है, ओ एक्स है, और ओ वाई क्या है, वो वाई है। ठीक है, यूजली कॉल्ड रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि यहां पर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास जो होंगे एक रियल होगा और एक इमेजिनरी एक्सिस होंगे, y एक्सिस इमेजिनरी होंगे और एक्स एक्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे। तो ऑब्वियसली पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर आर थीटा, अब पी के जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कौन से होंगे, आर एक होगा और एक थीटा होगा। ठीक है, वेयर आर इज इक्वल टू क्या है, ओपी, आर किस इक्वल है, ओरिजिन से पी तक, और इसको हम किस तरह अजर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये हमें R की पता है वैल्यू, R की क्या होती है, वो Z का मॉड होता है, मॉडुलस ऑफ Z, एंड थीटा क्या है, मेजर एंगल पी ऑफ पी ओ एक्स, ठीक है, पी ओ एक्स विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। यहाँ पर जो थीटा अगर हम की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, तो इस आर्गुमेंट ऑफ जेड, तो इस थीटा को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड कहते हैं। थस थीटा इज एंगल मेड बाय ओपी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यहां पर देख सकते हैं फिगर में कि जो थीटा है वो एंगल है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट इन द प्लेन इज ड्यू टू आर्गेंड, ठीक है, एंड कॉल्ड आर्गेंड डायग्राम प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो ये जो फॉर्म अभी हमने एक्सप्रेस थी ये किसकी वजह से है, कॉम्प्लेक्स प्लेन की वजह से, इसको हम आर्गेंड भी कहते हैं, आर्गेंड डायग्राम भी कह सकते हैं, प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है, या इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन कह सकते हैं। ड्यू टू दिस रीजन
हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द कम्प्लेक्स नंबर इज नोन एज एफ्लेक्स ऑफ द पॉइंट विच रिप्रेजेंटेड. जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो इस पॉइंट का एफ्लेक्स कहेंगे. ठीक है, अब देखें इस डायग्राम में एक और, अब हम क्या करेंगे यहां पर एक न्यू तरीके से जहर करेंगे कम्प्लेक्स को, नंबर्स को. अब देखें कि इफ द कम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय पी ऑफ एक्स वाई इन अ कम्प्लेक्स प्लेन देन इट्स कंजुगेट. अब ये तो कोई एक नंबर है, जेड है कम्प्लेक्स नंबर, तो इसको हमने कम्प्लेक्स प्लेन में इस तरह रिप्रेजेंट किया जैसे ऊपर के हमने डायग्राम में देखा. तो अगर हम इसका कंजुगेट की बात करें, कंजुगेट क्या होगा, कंजुगेट क्यू इन टू एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी इसको हम जेड बार कहते हैं, विच इज द इमेज ऑफ पी ऑन रियल एक्सेस ओ एक्स. तो ये जो क्यू की बात कर रहे हैं तो ये क्या होगा, इसी पी की इमेज होगी. आप देख सकते हैं कि दोनों डायग्राम्स क्या है, सेम लग रही है, यानी ये वाली पहली ना दूसरी, अब ये वाली पहली है, अब ये दूसरी पहली की इमेज लग रही है. ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें विद कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इफ आर थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी देन आर माइनस थीटा बी पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू. अगर आर ऑफ थीटा पी के पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं तो क्यू के क्या से हो गए, आर और माइनस थीटा होंगे. ठीक है, यहां पर सिर्फ थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, वो नेगेटिव है, यानी आर माइनस थीटा वो क्या होंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे क्यू के. देन जेड का मॉड विच इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट का मॉड, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्योंकि देखें कि अगर हम जब मॉड की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं. ठीक है, तो जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो अगर हम उसका मॉड लेंगे तो तब भी वो क्या होंगे, सेम होंगे, जेड विच इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट मॉड एन आर्गुमेंट ऑफ जेड विच इज इक्वल टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड बार. ठीक है, ये इसको कॉन्जुगेट कह सकते हैं. जो आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, अब क्यू की अगर हम बात करते हैं तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर हम पी की बात करते हैं तो उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव. ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इक्वल कब होंगे, जब क्या होगा, नेगेटिव ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड बार लेंगे. ठीक है, तो दोनों ये आपस में इक्वल होंगे. Z इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा. अगर हम इसको इसका कॉन्जुगेट लें तो क्या होगा, तो देखें Z कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू आर इन टू कॉस माइनस थीटा, क्योंकि यहां पर हम माइनस क्यू की बात कर रहे हैं, तो क्यू का जो पोलर कोऑर्डिनेट है एक R है और एक माइनस थीटा है. R तो हमारे पास वैसे आ गया, अब इसका हम थीटा की जगह हम क्या करेंगे, माइनस थीटा पुट करेंगे, प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा. तो कॉस जो है वो नेगेटिव को वैसे कैंसिल कर देता है, तो बाकी जो साइन होगा वो वैसे नेगेटिव वैसी रहेगी, इसके साथ साइन जो होगा. तो देखें कि ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जेड कॉन्जुगेट की, तो जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू आर इनटू कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ थीटा. अगर जेड को पोलर फॉर्म ये वाली हो और इसकी कॉन्जुगेट ये पोलर फॉर्म जो होगी ये, यूजिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड, इफ जेड इज इक्वल टू आर ए की पावर आयोटा थीटा हो. ठीक है, ये भी एक इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. तो देखिए जेड इज इक्वल टू अगर आर ए की पावर आयोटा थीटा हो तो जेड बार क्या होगा, अब यहां पर सिर्फ नेगेटिव की अलामत है, तो नेगेटिव आयोटा थीटा, बाकी वो सेम वैसे रहेंगे. तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये तो हमारे पास है पोलर फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है किसकी, कम्प्लेक्स नंबर के. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस अगेन. ठीक है, अब यहां पर हम डिस्टेंस को स्टडी करेंगे कि हम डिस्टेंस को कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस करते हैं. देखें ये एक डायग्राम है, इसमें एक कोई नंबर z1 है कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर z2 है, और ये वाला जो पॉइंट है ये z1 प्लस z2, यानी इनका जो मिडल वेक्टर होगा वो z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट करता है. तो ये एक डायग्राम बन रही है, पैरेललोग्राम बन रही है. ठीक है, यानी एक
डायग्राम हमारे पास कौन सी है, पैरेललोग्राम है, और इसका जो डायगोनल है, जो मेन डायगोनल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं z1 प्लस z2 को। यहां पर वेक्टर की डिफरेंस को हमने एक्सप्रेस किया है कि अगर कोई वेक्टर z1 ये वाला हो और ये z2, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, z2 माने z1 और ये वाला वेक्टर होता है, ठीक है। ये वेक्टर की फॉर्म में हमने, ये आपने फर्स्ट ईयर में चीजें पढ़ी होंगी कि हम डिफरेंस को किस ठीक है एरो से शो करते हैं, सम को किस तरह शो करते हैं। तो द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y1 iota y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iota y2 इज, अब ये दोनों का सम है, ठीक है। इस सिंपल कंपोनेंट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सिंपल डेफिनेशन है किसकी, वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर या वेक्टर टू वेक्टर की एडिशन। तो सम z1 प्लस z2 इज द मेन डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये कोई डायग्राम एक पैरेललोग्राम है और इसका जो z1 प्लस z2 है वो एक मेन डायगोनल है, जिसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है और जो फाइनल पॉइंट है या टर्मिनल पॉइंट है वो वेक्टर z1 प्लस z2। तो द डिफरेंस कैन बी ड्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम टर्मिनल पॉइंट z1। अब ये हमने स्टार्ट किया डिफरेंस को, अगर हमने डिफरेंस को जहर करना है, एक्सप्रेस करना है, तो इसको स्टार्ट कहां से करेंगे, टर्मिनल पॉइंट ऑफ z1 से, एंड एंडिंग पॉइंट एट टर्मिनल पॉइंट ऑफ z2। सो z इज इक्वल टू z2 माइनस z1 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब देखें z2 माइनस z1 का मतलब क्या होगा, इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को शो करना। तो इन द कम्प्लेक्स प्लेन दैट इज z2 माइनस z1 का मॉड विच इज इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 प्लस आयोटा n2 y2 माइनस y1 इसका मॉड। तो मॉड को हम इस तरह ओपन करते हैं, तो इस इक्वेशन नंबर 1 जो कि एड क्या कर रही है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है इन कम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ये क्या है कि डिस्टेंस अगर हमने फाइंड आउट करना हो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान, तो इस क्वेश्चन नंबर 1 को हम यूज करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स इन जेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन दैट सेटिस्फाई। और कहते हैं कि अब हम इसी जो हमने अभी पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, इसी की एप्लीकेशन देख लेते हैं एज अ एग्जांपल। इसमें हमने क्या करना है कि हमने वो पॉइंट्स ऑफ सेट पॉइंट्स करने हैं, फाइंड करने हैं जेड के, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये कैसे हम फाइंड करते हैं, देखें ये हमने कोई पॉइंट जेड लिया, ये वाला जो जेड हमारे पास क्या है मॉड है, ये इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को शो कर रहा है, और जो जेड माइनस आयोटा मॉड है ये किसी पॉइंट आयोटा से जेड के यानी समय ले डिस्टेंस को शो कर। तो वी यूज 1, ठीक है, हम 1 को यूज कर रहे हैं इक्वलिटी ऑफ डिस्टेंस। द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट जेड टू ओरिजिन इक्वल्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम जेड टू अनदर पॉइंट क्यू आई, यहां पर हम आई यूज कर रहे हैं आयोटा, ठीक है, हमने इस इक्वलिटी को यूज करना है, ठीक है। वो कह रहा है कि कोई हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जेड मॉड है, और किसी दूसरे पॉइंट से जेड माइनस आयोटा मॉड है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस पॉइंट्स की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं, इक्वालिटी को। देखें जेड मॉड विच इज इक्वल टू जेड माइनस आयोटा मॉड है, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, जेड मॉड क्या होगा, x² प्लस y² स्क्वायर रूट होगा प्लस जेड माइनस आयोटा का मॉड क्या होगा। देखें अगर हम जेड को x प्लस आयोटा वाई पुट करें, तो देखें यहां पर हम आयोटा को कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस 1 बनेगा। अगर हम इसका मॉड निकालते हैं तो x² प्लस y² माइनस 1 का स्क्वायर रूट, तो ये मैंने वही डायरेक्ट पुट किया हुआ था। तो जब हम स्क्वायर रूट को यहाँ से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, तो बाकी देखें x² प्लस y² विच इज इक्वल टू x² प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर। तो अगर हम इस स्क्वायर को ओपन करते हैं, बाकी ये वाली टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाती हैं, बाकी ओनली 2y इज इक्वल टू 1 यानी y इज इक्वल टू 1/2। तो ये
जो मेरे पास अभी कोई कांस्टेंट वैल्यू आई है वाई की, किसी भी एक्स के लिए ट्रू होगी, क्योंकि अगर हम कोई भी एक्स पुट करेंगे तो हमें हमेशा ही कांस्टेंट ही वैल्यू मिलेगी वाई की, तो ये क्या करेगी, ये होल्ड करेगी। तो वाई इज इक्वल टू 1/2 इज एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये वाला हमने इसको एक वीडियो लाइन से एक्सप्रेस किया हुआ था कि जो ये वाली इक्वेशन है y is equal to 1/2 is an equation of horizontal line shown in figure, complex number satisfying this inequality, the equality is z is equal to x plus 1/2 iota। तो ये वाला एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आया जो कि इस इक्वेलिटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।